नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशा स्टडी कॉर्नर में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो समय पर मिलती रहेगी। आज हम करने वाले हैं विवाह के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपति प्रथा। देखिए, सबसे पहले हिमाचल में जो है बहुपति प्रथा प्रचलित थी, ऊपर हिमाचल में प्रचलित है। ठीक है, जो ऊपरी हिमाचल है वहाँ पर आपकी बहुपति प्रथा प्रचलित है, जहाँ लड़की का विवाह जो है बड़े भाई से होता है और वह सब भाइयों की पत्नी बन जाती है। ठीक है, क्या होता है बहुपति प्रथा में? बहुपति का मतलब है बहुत से पति। ऊपरी हिमाचल में प्रचलित है, जहाँ लड़की का विवाह जो है बड़े भाई से होता है और वह सब भाइयों की पत्नी बन जाती है। मतलब शादी सिर्फ बड़े वाले भाई से होगी, बाकी वो खुद ही स्वयं सबकी पत्नी बन जाएगी। यह प्रथा जो है पांडवों की विरासत है। ठीक है, यह प्रथा पांडवों की विरासत है। कुछ समय पहले तक क्या होता था, हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों, सिरमौर के गिरिपार के क्षेत्र व सराज के इलाके में बहुपति प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, जिसका मूल लोग भारत में ढूंढते हैं कि पांचों पांडव भाइयों ने एक पत्नी द्रौपदी से विवाह किया था। ठीक है, तो यह प्रथा जो है पांडवों की विरासत जो है मानी जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या, इस प्रथा के अनुसार सबसे बड़ा भाई लड़की से झाझरा शादी करता है। झाझरा शादी मतलब बड़े भाई से शादी होगी और उसे शेष भाई स्वयं ही उसके पत्नी सॉरी पति बन जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके पति माने जाते हैं। वैवाहिक संबंधों का बंटवारा वे आपसी सहमति से प्रथा के अनुसार करते हैं। इस विवाह से पैदा होने वाली संतान बड़े भाई के नाम पर दर्ज की जाती है। ठीक है, जो भी संतान होगी वो बड़े भाई के नाम पर दर्ज की जाएगी। स्त्री को निष्पक्ष होकर सभी पतियों से एक जैसा व्यवहार करना पड़ता है और इस प्रकार की शादी की सफलता भी स्त्री के निष्पक्ष व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रथा के समर्थकों का कहना है कि इससे बच्चों की संख्या पर नियंत्रण रहा है, परिवार में विभाजन नहीं होता और इकट्ठे परिवार में रहने से परिवार की अर्थदशा ठीक रहती है। ठीक है, और ना ही भूमि का विभाजन होता है। तो आपको बहुपति प्रथा में सिर्फ जो मेन पॉइंट याद रखना है, क्या होता है, लड़की का विवाह बड़े भाई से होता है और वह सब भाइयों की पत्नी बन जाती है। ठीक है, और प्रथा पांडवों की विरासत मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रीत प्रथा के बारे में। ठीक है, बहुपति प्रथा थी जिसमें बहुत से पति होंगे। रीत प्रथा है जब एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहे। ठीक है, जब एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहे तो उसका पहला पति दूसरे पति से रीत धन लेता है। मतलब जो उसके होने वाला पति है उससे वो जो है रीत धन लेता है। जो धन होगा वो है रीत धन, यानी कि ये हुई आपकी रीत प्रथा। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये शादी होती है झाझरा या गाडर शादी में, जब पति पत्नी में अनबन हो जाती है तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई ये कि जब एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहे। ठीक है, अगर वह किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहे तो रीत धन कौन देगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा कि लड़का लड़की में, मतलब पति पत्नी में अनबन हो जाती है। ठीक है, और वो इकट्ठे नहीं रह सकते तो लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, लड़की अपने माँ बाप के घर चली जाती है और लड़की का बाप पिछले पति को, ठीक है, लड़की का बाप पिछले पति को रीत का पैसा देकर जिसमें उसके पति द्वारा दिए गए गहनों कपड़ों की कीमत या शादी के अन्य खर्च शामिल होते हैं, बिना कोई औपचारिक तलाक किए छुड़ा सकता है। ठीक है, तो वो धन कौन देता है? पिता देता है। वो रीत धन कौन देता है? पिता, अगर किसी और से विवाह नहीं करना चाहे तो। ठीक है, दूसरी शादी करने की सूरत में यह रीत दूसरे पति को देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर दूसरे से शादी नहीं करना चाहती तो वो पिता को देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बहुपत्नी प्रथा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। ठीक है, लेकिन एक से अधिक पत्नी रखने की इस प्रथा का भी अब कहीं कहीं प्रचलन है, परंतु बहुत कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये रहेगा आपका बराड फूक, जराड फूक या झिंडी फूक विवाह। ठीक है, बराड फूक या जराड फूक या झिंडी फूक विवाह, यह भागकर की गई शादी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन सी शादी है, यह भागकर की गई शादी है। निम्न क्षेत्रों में इसको बराड फूक बोलते हैं, मध्य क्षेत्र यानी कि कांगड़ा में इसको जराड फूक बोलते हैं और चंबा क्षेत्रों में इसे क्या कहते हैं, झिंडी फूक कहते हैं। ठीक है, निम्न क्षेत्रों में बराड फूक, मध्य क्षेत्रों में जराड फूक, चंबा में झिंडी फूक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लड़की की माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष से
संबंध जोड़कर शादी कर लेती है। लड़की अपनी माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, लड़की माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध और किसी पुरुष से संबंध जोड़कर शादी कर लेती है। शादी के समय पुरुष लड़की को नथिया अन्य नाक का गहना पहनाता है, ठीक है, अन्य नाक का गहना पहनाता है। दोनों किसी बराड या झाड़ी को आग लगाते हैं और उसके चारों ओर 7 फेरे लेते हैं और इस प्रकार से यह विवाह संपन्न होता है, जिसको हजय है बराड फूक, जराड फूक या झिंडी फूक विवाह जो है कहा जाता है, ठीक है। ये था बराड फूक, जराड फूक या झिंडी फूक विवाह, 7 फेरे हुए, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध लड़की ने शादी की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ झंझराड़ा गड्डर या परैना विवाह, ठीक है, झंझराड़ा गड्डर या परैना, यह नीमन जातियों में प्रचलित है, बिना 7 फेरों का विवाह है। देखिए वहाँ पर बराड़फूक, जराड़फूक और झिंडीफूक विवाह में 7 फेरे थे, ये बिना 7 फेरों का विवाह है। यहाँ पर क्या होता है, शादी की तिथि को लड़का दूल्हा बनकर लड़की के घर नहीं जाता, ठीक है, शादी की तिथि को लड़का दूल्हा बनकर लड़की के घर नहीं जाता। कौन जाते हैं, लड़की के पिता या भाई या सगे संबंधी, मतलब रिलेटिव्स या गांव वाले जाएंगे, वो भी कौन सी संख्या में, या तो 5, 7 या 11 तक की संख्या में जाते हैं, ठीक है। गहने कपड़े लेकर लड़की के घर जाते हैं, कौन कौन, लड़के के पिता या भाई बंधु मतलब रिलेटिव्स, गांव वाले, 5, 7, 11 तक की संख्या में जाते हैं गहने कपड़े लेकर, ठीक है। फिर क्या होता है, पुरोहित मंत्र उच्चारण के साथ लड़की को नथ या बालू पहनाता है, ठीक है, पुरोहित मंत्र उच्चारण के साथ लड़की को नथ या बालू पहनाता है तथा गहने कपड़े लड़की को दिए जाते हैं। उसी दिन या अगले दिन, ठीक है, उसी दिन या अगले दिन लड़के वाले लड़की को हार लाते हैं, ठीक है, कहाँ लाते हैं, घर लाते हैं, घर लिखा है मैंने, हार पढ़ लिया, ठीक है। उसी दिन या अगले दिन लड़के वाले लड़की को घर लाते हैं, फिर उसका स्वागत किया जाता है, लड़की का स्वागत किया जाता है, ठीक है। और दरवाजे पर गेहूं या चावल की एक टोकरी और पानी से भरा घड़ा रख दिया जाता है और यहाँ पर चूल्हे और गणेश जी की पूजा की जाती है, ठीक है, चूल्हे और गणेश जी की पूजा की जाती है। सिरमौर एवं कांगड़ा आदि के कंदेयों की भांति दीवार पर आकृतियाँ बनाई जाती हैं, सिरमौर और कांगड़ा आदि के कंदेयों की भांति दीवार पर आकृतियाँ बनाई जाती है। कौन से विवाह में, झंझराड़ा गड्डर या परैना, गद्दर और पैरना विवाह में गणेश जी की पूजा नहीं की जाती, ठीक है, गद्दर और पैरना विवाह में गणेश जी की पूजा नहीं की जाती। देखिए झंझराड़ा में क्या हुआ, गणेश जी की पूजा की गई और गद्दर और पैरना में गणेश जी की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। तो ये था आपका झंझराड़ा गड्डर या परैना, यहाँ पर बिना 7 फेरों का विवाह होता है, ठीक है, और निम्न जातियों में ये प्रचलित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इसी का पार्ट है जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर झंझराड़ा गड्डर या परैना। अब क्या होता है, जब वधु का स्वागत हो गया उसके बाद वर और वधु एक दूसरे के हाथ पर गुड़ रख कर खाते हैं और विवाह पूर्ण समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिना 7 फेरों का विवाह हुआ तो इसको पूर्ण कैसे समझा गया, कि जब वधु का प्रवेश, यानी वधु का प्रवेश अपने घर में यानी ससुराल में करवाया गया, वर और वधु को एक साथ दोनों को एक दूसरे के हाथ पर गुड़ रखकर खाते हैं और विवाह पूर्ण समझा जाता है, जिसको घरासनी कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा घरासनी वर्ड, ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स जो है यहाँ पे याद रखने हैं। फिर क्या होता है, तीसरे दिन, शादी के तीसरे दिन, मतलब जब ये शादी संपन्न हो गई, तीसरे दिन लड़की के माँ बाप लड़के के घर आते हैं और साथ में कुछ पकवान लाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मुरापुली या मुडापुली बोलते हैं, ठीक है, मुरापुली या मुडापुली इसको कहते हैं। फिर क्या होता है, इससे तीसरे दिन, उससे तीसरे दिन लड़का लड़की के माँ बाप के घर जाता है, ये दोनों जाते हैं, मतलब लड़की के माँ बाप के घर जाते हैं, जिसको जो है धनोज कहा जाता है, ठीक है। घरासनी क्या हुआ, जब वर और वधु एक दूसरे के हाथ पर रखकर गुड़ खाते हैं, ठीक है, तो वह पूर्ण समझा जाता है, उसको घरासनी बोलते हैं, यानी कि घर में बसना, ठीक है। फिर तीसरे दिन लड़की के माँ बाप लड़के के घर आते हैं और साथ में कुछ पकवान लाते हैं, उसको बोलते हैं मूरा पुली। इसकी ट्रिक्स भी मैं आपको लास्ट में, जब ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा रीति रिवाज व संस्कार, इसकी पूरी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इसकी ट्रिक्स चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर ही बना के दूंगी, ठीक है। तो देखिए उसी तीसरे दिन लड़का लड़की के माँ बाप के घर जाते हैं तो उसको बोलते हैं धनोज। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर जानेर टंग, ठीक है, जानेर टंग। किन्नौर में झंझराड़ा पैरना विवाह को जो है जानेरटंग विवाह की संज्ञा दी जाती है। किन्नौर में झंझराड़ा पैरना विवाह को जानेरटंग विवाह की संज्ञा दी जाती है। इसे जनेकांग या जंतुंग भी कहा जाता है।
अब क्या होता है, हमारे यहाँ शादी का रिश्ता जोड़ने वाले को क्या कहा जाता था, रिवारा कहा जाता था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। लेकिन किन्नौर में क्या कहा जाता है, किन्नौर में कहा जाता है मजोमिक। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मजोमिक कौन होता है, शादी का रिश्ते जोड़ने वाला होता है यानी मध्यस्थ, जिसको हम अपनी भाषा में बिचौला कहते हैं। ठीक है, तो शादी का रिश्ता जोड़ने वाला कौन हुआ यहाँ पर किन्नौर में, मजोमिक हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि लड़के का मामा या अन्य संबंधी जिसे मजोमिक कहते हैं। ठीक है, मजोमिक यानी या तो मतलब या तो लड़के का मामा होगा या फिर चाचा होगा। ठीक है, जो यहाँ पर मध्यस्थ होने का काम करता है। सूरा या छांग लेकर लड़की के माँ बाप के घर जाते हैं। ठीक है, ये छांग लेकर लड़की के कहाँ जाते हैं, छांग लेकर लड़की के घर जाते हैं, छांग यानी देशी शराब, लड़की के घर जाते हैं और अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। माँ बाप आपस में सलाह मशवरा करते हैं, यदि वे लड़के को योग्य न समझें। ठीक है, यदि वे लड़के को योग्य न समझें मतलब रिश्ता अस्वीकार करें, तो छांग पिलाए बिना ही वापस लौट जाते हैं। कौन, मुजोमिक यानी कि जो यहाँ पर मध्यस्थ है रिश्ता जोड़ने वाला। लड़की के घर छांग लेके गए, अगर उन्हें अस्वीकार है, रिश्ता अस्वीकार है, तो छांग पिलाए बिना वापस लौट जाते हैं। अगर उन्हें लड़का योग्य लगता है, अगर वो स्वीकार करते हैं, तो वो 5 रुपए और छांग की बोतल और उसकी उसी ढक्कन पर, मतलब जो छांग की बोतल है उसकी ढक्कन पर जो है लगा मक्खन, ये 3 चीज़ें वहाँ होती हैं। तो रिश्ता जब मंजूर हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, तो जो उस ढक्कन पर लगा मक्खन है उससे क्या करते हैं, एक दूसरे के माथे पर मक्खन का टीका लगाते हैं। ठीक है, देखिए छांग पिलाए बिना अगर वापिस आ गए तो रिश्ता नहीं हुआ, अस्वीकार है, और अगर स्वीकार है तो 5 रुपए, छांग की बोतल और उसकी ढक्कन पर जो है लगा मक्खन छोड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के माथे पर मक्खन का टीका लगाते हैं, जिसको जो है थच तमेल बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के माथे पर मक्खन का टीका लगाना क्या हुआ, थाचे तमेल। यहाँ पर बात की जा रही है किन्नौर की। ठीक है, छांग को, और फिर क्या किया जाता है, अब देखिए स्वीकार हो गया रिश्ता तो फिर खुशी तो होगी, तो छांग को खुशी खुशी पिया जाता है, मतलब जो बोतल होगी उससे छांग को खुशी खुशी पिया जाता है, और इसको कहते हैं कोरियांग। ठीक है, टीका लगाना हुआ थाचे तमेल और छांग को खुशी खुशी पिया जाता है, इसको बोलते हैं कोरियांग। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, विवाह के पश्चात, रुकिएगा, विवाह के पश्चात जब नववधु पहली बार अपने माता पिता के यहाँ जाती है तो उसको बोलते हैं मैतन गास्मा। ठीक है, विवाह के पश्चात जब नववधु पहली बार अपने माता पिता के यहाँ जाती है तो उसको बोलते हैं मैतन गास्मा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ हार विवाह की। देखिए हार विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है बहुत बार। मध्य हिमालय भाग में जब कोई लड़का मेले, किसी शादी आदि में से किसी लड़की को जबरदस्ती उठाकर शादी कर लेता है। ठीक है, या लड़की लड़के के साथ स्वयं ही भाग जाती है, या तो जबरदस्ती शादी करेगा या क्या होगा, लड़की लड़के के साथ स्वयं ही भाग जाती है, तो इसे जो है हार शादी या कई जगह हर भी आपको देखने को मिलेगा, हर शादी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, किन्नौर में इसको जो है दुब दुब चुचिस या खुटकीमा या दरोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किन्नौर में दुब दुब या आपको डब डब भी कहीं मिलेगा, तो उसका मतलब भी दुब दुब ही हुआ। यहाँ मैं लिख देती हूँ दुब दुब या डब डब। ठीक है, चुचिस की जगह आपको कई जगह कुचिस देखने को मिलेगा, किन्नौर में दुब दुब चुचिस या खुटकीमा या दरोश। ठीक है, हार विवाह को कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो लड़का जबरदस्ती लड़की को ले जाएगा या लड़की स्वयं ही अपनी मर्जी से उसके साथ भाग जाएगी, तो उसको हर शादी कहते हैं या हार शादी कहते हैं। अब क्या होता है, ऐसी सूरत में लड़के के माँ बाप बाद में लड़की के माँ बाप से समझौता करके उनके लड़के द्वारा किए गए काम के कारण बेइज्जती की क्षतिपूर्ति के लिए 100 से 500 रुपए तक का बकरा आदि लाते हैं। ठीक है, 100 से 500 रुपए तक का बकरा आदि लाते हैं, या 100 या 500 रुपए उन्हें दे देते हैं, या तो बकरा लाएंगे या क्या करेंगे, 100 या 500 रुपए दे देंगे। किन्नौर इलाके में ऐसी शादी को दुब दुब चुचिस या खुटकी में कहते हैं, या मैंने आपको बताया दरोश। अब यह क्या होता है, एक माह बाद, एक माह उपरांत जब लड़का लड़की को लेकर उसके मायके जाता है, एक माह बाद जब लड़का लड़की को लेकर उसके मायके जाता है, तो अपने साथ 3-4 टोकरी सूखे मेवे, ठीक है, 3-4 टोकरी सूखे मेवे, खुमानी और न्योजे की माला, जिसे जो है रमयूलांग या टुमलैंग आपको मिलेगा देखने को, कई बुक्स में रमयूलांग और टुमलैंग कहते हैं, ये ले जाता है। इस संस्कार जो है स्टैनी
टैनिक कहा जाता है, ठीक है। इस संस्कार को जो है स्टैन टैनिक कहा जाता है। देखिए आपके जो यहाँ पर शब्द है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्रिक्स के जरिए वीडियो बना के ज़रूर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आज का आता है दमचल शीश विवाह। इसमें कहता है प्रेमी एक साथ भाग जाते हैं परंतु तय होने के बाद सामान्य व्यवहार किया जाता है, ठीक है। जब विदाई होती है तो लड़का लड़की को लड़का लड़की की माँ को लड़का लड़की की माँ को 500 रुपए देता है, जिसे जो है मासूरे कहा जाता है। और ये मासूरे क्या होता है, जो 500 रुपए देता है यह माँ के दूध का मूल्य होता है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के विवाह के प्रकार, जिसमें हमने बहुपति प्रथा, रीज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ब्राड़ फूक, जराड़ फूक, झिंडी फूक विवाह, जिसमें क्या होता है लड़की के माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी की जाती है, ठीक है। ब्राड़ या झाड़ी को आग लगा कर उसके चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। फिर हमने पढ़ा झंझराड़ा, गड्डायर या पैरना, जो कि बिना 7 फेरों का विवाह होता है। गणेश जी की पूजा की जाती है झंझराड़ा में, और जो आपका गड्डर और पैरना विवाह था इसमें गणेश जी की पूजा नहीं की जाती। फिर हमने पढ़ा था घरासनी, मतलब जब दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के हाथ पर रखकर गुड़ खाते हैं, घरासनी उसको बोलते हैं। फिर मोरापुली, धनोज, जानेरटंग हमने पढ़ा, ठीक है। जानेरटंग में हमने क्या पढ़ा कि लड़के वाले लड़की के घर जो है शराब लेकर जाते हैं, यानी छांग लेकर जाते हैं। अगर पीली मतलब जो मजोगमिक आपका होता है अगर वो छांग पिलाए बिना वापस आ जाता है तो रिश्ता अस्वीकार होता है। अगर स्वीकार होता है तो क्या किया जाता है, जो ढक्कन पर लगा मक्खन होता है एक दूसरे के माथे पर टीका लगाया जाता है जिसको थाचे तमेल बोलते हैं, और छांग को खुशी खुशी पिया जाता है जिसको कोरियांग कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि हार विवाह, जिसको किन्नौर में दुब दुब चुचिस या खुटकी माँ या दरोश कहते हैं, ठीक है। और इस संस्कार को स्टैन टैनिक कहा जाता है। दमचल शीश क्या हो गया कि प्रेमी एक साथ भाग जाते हैं और क्या होता है बाद में सामान्य विवाह उनका हो जाता है। जब विदाई होती है तो लड़का लड़की की माँ को 500 रुपए देता है, जिसे मासोरे कहा जाता है। यह माँ के दूध का मूल्य होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी ट्रिक्स की कि किस तरह याद करना है, तो जब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा रीति रिवाज व संस्कार, तो आपको लास्ट में इसकी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।